आज हम जगदीश जी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी पुस्तकें हम पढ़ें, हमारी रणनीति क्या रहे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन है वो हो सके। और आज की क्लास बहुत ही विशेष रहने वाली है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सोशियोलॉजी से 2022 में तीसरी रैंक प्राप्त की है, तो उनके अनुभवों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से हमारी रणनीति रहनी चाहिए ताकि हम अधिकतम स्कोर कर सकें। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर सोशियोलॉजी में इसका सिलेबस क्या है, किताबें कौन सी है, रणनीति क्या रहनी चाहिए और पिछले वर्षों में क्या मेरिट रही है। तो एक नज़र मैं मेरिट पे डाल लेता हूँ क्योंकि मेरिट पे बहुत हाई नहीं जाती है। मेरिट है वो लगभग 60-65% ही रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्डन ले लेता है कि मेरा तो 80% 90% स्कोर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही 90% आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, 70 या 75 से तो टॉपर निकलते हैं। तो 60-65 के बीच में अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसके सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे श्री जगदीश जी ज्ञानी से कि क्या उन्होंने रणनीति अपनाई थी, कौन सी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 में है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, स्नातक लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें 55 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है, 110 नंबर का आएगा इस सेकेंडरी लेवल से, सीनियर सेकेंडरी लेवल से। फिर ग्रेजुएशन लेवल से भी 110 मार्क का आने वाला है, 55 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक है वो 2 नंबर का होता है। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कुल 10 प्रश्न ही आएंगे, ज़्यादा प्रश्न आने वाले नहीं हैं। तो कुल इस प्रकार से 30 नंबर का एक साइकोलॉजी या शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। तो कुल 300 अंकों का ये अपना पेपर होता है और एक पेपर पहला होता है जो जीके वाला होता है, तो 150 का वो होता है, 450 का कुल हमारा पेपर होता है, जिसमें से हमें अगर 65% स्कोर कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन है वो हो जाता है। अगर मैं मेरिट की बात करूं तो अभी 2022 का रिजल्ट आया है, उसमें जो जनरल की है, सामान्य वर्ग की जो मेरिट गई है वो 276 नंबर गई है, 2018 में ये 302 गई थी, यानी पहले लगभग 66% रही थी और अब की बार उससे भी कम रही है। इसी प्रकार से ओबीसी की अब की बार 257 नंबर मेरिट गई है, पहले 298 गई थी। एससी एसटी में भी 2-4 नंबर का आगे पीछे होता है, तो 208 और उससे पहले 261 गई है, तो यानी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं श्री जगदीश जी ज्ञानी, जो मैंने अभी बताया कि 2022 में उनकी आल राजस्थान तीसरी पोजीशन रही है। तो स्वागत करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये मुकाम हासिल किया है, काफ़ी लंबी मेहनत रही है। जगदीश जी 2 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत इन्होंने की है, और आगे के लिए शुभकामनाएं कि कॉलेज लेक्चरर भी आ रहा है तो उसमें भी आपका चयन है वो हो। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। थैंक यू सर, विशेष आभार आपको। आपसे 2 साल से संपर्क में हूँ और इस दरमियान मैंने 3 बार नेट भी क्लियर कर लिया है स्कूल लेक्चरर की तैयारी के दौरान। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम जगदीश जी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी पुस्तकें हम पढ़ें, हमारी रणनीति क्या रहे। जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आज जगदीश जी से जानने का प्रयास करूंगा। मैं तो हमेशा बताता ही रहता हूं, तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात आती है कि हमारी पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए, हमारा जो मैटर है वो क्या रहना चाहिए। तो हमारे 2 पेपर हैं, पेपर जीके का आता है और एक सब्जेक्ट के आता है। तो पहले हम सब्जेक्ट के पेपर पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम जीके वाले पे भी चर्चा करेंगे। जीके की नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पुस्तकें इन्होंने पढ़ी, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण अब की बार उन्होंने रोल अदा किया है। और कुछ स्टूडेंट हो सकता है अगर वो उसमें क्लियर कर जाते तो उनका चयन भी हो जाता था। तो 13 कुल पद थे और 13 में से तीसरी रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है, जो स्टूडेंट की तरफ से आया है, कि समाजशास्त्र के लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा अलग अलग करके बताना है।
सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो सबसे पहली बुक तो है सर एमएल गुप्ता और डीडी शर्मा की आती है साहित्य भवन की समाजशास्त्र के नाम से, जो कि बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो वो बड़ी बुक है, 1200 प्लस के आसपास पेज है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से उसमें से 750-800 के पेज होते हैं, वो उतना ही हमारा सिलेबस है। यानी तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है। एक्स्ट्रा कंटेंट है तो वो उसको, चलो कोई नहीं, हमें खरीद लेनी चाहिए वो बुक है जितना, ठीक है अगर कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं। और मुझे भी याद है कि कुछ क्वेश्चन केवल उसी में से आए थे, बाकी वो नहीं मिल रहे थे, जो साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है उसमें से मिले थे। तो बड़ी बुक है थोड़ी, लेकिन हिम्मत रखनी है, बड़ी बुक से डरना नहीं है। तो पहली बुक तो अपनी ये हो गई साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की। आती है सर गाइड, आती है समाजशास्त्र के नाम से भी, डॉक्टर जी एल शर्मा और आर सारण की आती है, चमन प्रकाशन जयपुर से, जो कि बहुत अच्छी है। मतलब जो टॉपिक ना मिले उसके लिए वो गाइड, आप वैसे वो गाइड बहुत अच्छी है। और अगर तीसरी बुक की बात करूँ तो भारतीय सामाजिक विचार के नाम से आती है एसएल दोषी की, राउत पब्लिकेशन की। और चौथी बुक है भारतीय और पाश्चात्य सामाजिक विचार के नाम से, मुख्य समाजशास्त्रीय विचारक, जो कि पीसी जैन और एसएल दोषी की आती है। उसमें भारतीय थिंकर भी है, जैसे राधा कमल मुखर्जी आपको भारतीय सामाजिक विचारक में नहीं मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा। तो ये इतनी बुक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी की 11 और 12 की समाजशास्त्र की बुक आती है, दो दो बुक है, टोटल 4 बुक वो है। यानी बुक की संख्या कोई ज़्यादा नहीं है, मैं बताता हूँ तो 10-12 बुक बता देता हूँ, क्योंकि कहीं से भी बाहर ना जाए। लेकिन उन्होंने आपको बहुत ही शॉर्ट और स्वीट में बताई है जगदीश जी ने, कि 4 पुस्तकें अगर हम खरीद लेते हैं, एक साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है, उनकी लिस्ट भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे और उसका लिंक भी दे देंगे ऑनलाइन अगर आपको खरीदना आप चाहो तो। एक चवन प्रकाशन की है आर सारण और जीएल गुप्ता जी की है, जीएल शर्मा जी है, उनसे मैं पर्सनली मिला भी हूँ। और वो एक उनकी सामाजिक मुद्दे भी बुक आती है जो सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड है, तो वो तो ज़्यादातर यूपीएससी और आरपीएससी जो आरएस मेंस है उनके लिए लिखी गई है। तो दो बुक ये बताई है, तीसरी बुक इन्होंने बताई है कि भारतीय सामाजिक विचारक राउत पब्लिकेशन की है, और एक कौन सी बताई आपने, पाश्चात्य सामाजिक विचारक है भारतीय और पाश्चात्य थिंकर आते हैं उसके अंदर, जो एसएल दोषी और पीसी जैन की है। एसएल दोषी और पीसी जैन जी, क्योंकि जो सिलेबस के अंदर है कुछ इंडियन थिंकर है और कुछ वेस्टर्न थिंकर है, तो वो दोनों हैं। तो देखना थिंकर की मेरे हिसाब से कई बुक आती है एसएल दोषी और इनकी, तो क्या नाम बताना एक बार आप इनको दोबारा। एसएल दोषी और पीसी जैन की आती है पाश्चात्य सामाजिक विचारक, पाश्चात्य सामाजिक विचारक, भारतीय और पाश्चात्य लिखा हुआ होता है उसको, ठीक है। और सब एक और बुक आती है आधुनिकता उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो कि एसएल दोषी की आती है। हाँ, एक ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन की अभी हमने चर्चा की थी, केवल 10% आते हैं, तो उसके लिए एसएल दोषी की पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड एक पुस्तक आती है उनके। चलो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में दे दें। और अंत में आपने कहा कि एनसीईआरटी, हाँ जी, तो एनसीईआरटी से बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को कि वो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा टफ है, पढ़ नहीं पाते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज सबसे आसान होती है सर। आसान होती है, चलो वो सबकी अलग अलग होता है, कुछ को आसान लगती है, लेकिन एनसीईआरटी बेस है वो समझाने के तरीके से ही लिखी गई है, उसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं लिखा गया है। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि ज़्यादातर पहले क्वेश्चन आते थे वो उठा लिए जाते थे, वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, लेकिन आजकल है वो समझ के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो एनसीईआरटी अच्छी है और कोशिश है मेरी भी कि एनसीईआरटी जो थोड़ी टफ लैंग्वेज में है उसको आसान लैंग्वेज में मैं बनाऊँ। अभी मैंने नोट्स तो उसके बना रखे हैं लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण से वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। और इसके अलावा सोशियोलॉजी के 16 पेपर आते हैं यूथ पब्लिकेशन के, जो जरूर हल करने चाहिए ताकि अभ्यास हो जाए आपका, क्योंकि हिंदी पट्टी में जितने भी राज्य हैं उनके सब के एग्जाम जो सोशियोलॉजी के पीजीटी के या टीजीटी के जो भी हैं वो सब के क्वेश्चन आपको उस किताब में मिल, इस बुक में मिल जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट है ना। शिक्षा मनोविज्ञान भी सोशियोलॉजी के पेपर में आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको अवनी पब्लिकेशन की आती है धीर सिंह दाबाई की, वो पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि 20-30 नंबर आते हैं जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, तो अवनी प्रकाशन की वो बुक है वो बताई गई है, तो आप वो ले सकते हैं और यूथ वाली आप ज़रूर ले। क्या हमें, ठीक है ये तो आपकी बुक्स की बात हो गई, अब हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस प्रकार से हम पढ़ें, क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि ज़्यादा मार्क्स आ सकें, क्योंकि केवल कंटेंट होना भी ज़रूरी नहीं है, कंटेंट को सही तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करें।
रणनीति के लिए सर ये है कि कम से कम वैकेंसी आने से पहले अपना सिलेबस हो जाना चाहिए कम से कम 5 से 7 बार, ताकि आपको बाद में रिवीजन कर सको वैकेंसी आने के बाद। अगर आप पहले से शुरू कर दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, वरना आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो उससे तो अच्छा है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आपको वैकेंसी आने से पहले से 5-7 बार आपका सिलेबस हो जाए, और वैकेंसी आने के बाद आपका कम से कम ये हो कि 5-7 बार और हो जाए सिलेबस, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। और पढ़ने का लिए ये अभी कितने घंटे पढ़ें, तो इसके लिए तो सर मैं कहूँगा कि अगर वैकेंसी आने से पहले अगर आप 5-6 घंटे या 4-5 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत है, और वैकेंसी आने के बाद आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 24 घंटे में 8 कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। अब 10-15 घंटे ये तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम रोबोट नहीं है तो समाज से जुड़कर रहना पड़ता है हमें, और हमारा सब्जेक्ट भी वैसा ही है, तो 8 घंटे मेरे हिसाब से तो बहुत है। मैं तो कभी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, देर रात तक मुझे पढ़ने की शौक भी नहीं है। चलो, ये कितना पढ़ना चाहिए तो देखो सबकी अलग होती है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप पूरे ध्यान से एकाग्रता से मेरे हिसाब से पढ़ते हैं तो 8-10 घंटे तो बहुत IAS भी बना जा सकता है। और साथ में ये कहा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए। क्या हम क्या करते हैं कि जब बारिश आती है तब छप्पर पे पॉलीथीन लगाने का कार्य करते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। एकमात्र जो सबसे बड़ा मुझे जो अलग हटकर लग रहा है, हम क्या है कि वैकेंसी का वेट करते हैं और उसके बाद जब टाइम मिले या ना मिले वो अलग बात है, तो उससे पहले ही अपना तैयारी है वो कर लेनी चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। तो फिर एक बात ये भी आती है कि आपने कहा कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो क्या केवल पढ़ना काफ़ी है या कुछ अलग से कुछ नोट करना भी ज़रूरी है, या नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है? नोट्स का ये है सर कि अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होने की वजह से लिख नहीं पाता हूँ। अगर लिख लेता हूँ तो मुझे खुद को समझ में नहीं आता, ये दिक्कत रहती है। तो इसका ये है कि मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो उसके बाद में थोड़ा रिविज़न थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसान रहता है। अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग ये कि अभी भी मुझसे किसी ने संपर्क किया कि नोट्स दे दो अपने, तो नोट्स का मतलब तो ये होता है खुद से बनाए हुए। अगर आप खुद बनाओगे वही नोट्स है, दूसरे का नोट्स से आप मेरे हिसाब से स्कूल लेक्चरर संभव नहीं है, तो इससे अच्छा है आप थोड़ा। बिल्कुल, ये भी रहता है कि आपकी अच्छी रैंक रही है, आपने जो जो पढ़ा है जो जो नोट्स बनाए हैं वो आप मुझे दे दीजिए, ये सबके लिए अलग अलग होता है। जब कोई नोट्स बना लेता है राइटिंग, जैसे बात की अच्छी राइटिंग है या लिखने का शौक है, तो वो नोट्स बना सकता है अपने, और नहीं है तो अंडरलाइन या फिर हाईलाइट हम उसको कर सकते हैं। तो मेरे पास भी आते रहते हैं कि सर आपके जो नोट्स हैं वो हमें तो वही दे दीजिए, हम 1 महीने में पढ़ लेंगे उसको और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नोट्स सबके लिए मेरे हिसाब से अलग अलग ही होते हैं, जैसा कि बताया अभी, कि क्योंकि सबका लेवल है वो अलग अलग होता है, कोई किसी लेवल पे है, कोई किसी लेवल पे है, कोई किसी लेवल पे है, तो और अपने लेवल के हिसाब से अपने को खुद के नोट्स तैयार करने पड़े। और राजस्थान में तो कहावत है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि खुद के मरे मियाँ स्वर्ग कौन मिले है, तो खुद ने मरनो पड़ेगा, यानी खुद के नोट्स है वो अपने को बनाने पड़ेंगे, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा हमें बताया गया है। और आगे है कि ये तो अपने सब्जेक्ट की बात हो गई भी, कितना पढ़ें कैसे पढ़ें। अब जो बात आती है कि जो जीके वाला पेपर है, जो 150% जो पहला पेपर है, उसके लिए हम कौन सी पुस्तकें पढ़ें, और क्या उसके लिए कोई अलग से हमें रणनीति अपनाने की आवश्यकता है या नहीं है? उसके लिए थोड़ा अलग है सर, क्योंकि इस बार थोड़ा 40% वाला रूल कर दिया, तो हमारे बहुत से ऐसे साथी थे जो जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता लेकिन वो जीके में 40% नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर हो गए, नहीं तो उनका फाइनल हो जाता जो हमारे साथ होते। तो इसके लिए आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जीके को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कुछ लोग कुछ मेरे साथी जो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको जीके को भी कम से कम 2, अगर आप 5 घंटे अगर आप सब्जेक्ट को देते हो तो 2.5 घंटे आपको जीके को देने पड़ेंगे, यानी 50% या 40% या 50% है वो अपने को, क्योंकि जीके को भी देना 50% है। अच्छा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसके लिए आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, जो कि मतलब कम पेज में बहुत अच्छा मैटर है फिलहाल के लिए। तो उसकी 3 बुक अलग अलग है, जैसे हिस्ट्री के लिए पवन भौरिया सर की आती है, और भूगोल की भी आती है, और राजनीति की भी आती है नाथ पब्लिकेशन की, और करंट की भी आती है विनोद स्वामी की, वही नाथ पब्लिकेशन की। मैंने यही बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। और राजनीति के लिए एक कक्षा 11 की NCERT की भारत का संविधान नाम की आती है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। और राजस्थान के जीके के लिए 6 से 10 तक राजस्थान इतिहास और कुछ बोर्ड की बुक है, जो जिसमें राजस्थान का जीके दिया हुआ है।
वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, राजस्थान की जो चार बुक्स आती है नौवीं से स्टार्ट हो जाती है अपने? हाँ, नौवीं से नहीं, इस बार वो छह से दस तक है, ग्यारह बारे में शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। नई वाली की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान बोर्ड वाली से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, वो बहुत अच्छी बुक है सर। और के अलावा अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी के चार पांच क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी के लिए 9 से 12 तक व्याकरण आती है, व्याकरण की बुक आती है जो बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, वो बहुत अच्छी बुक है। और विज्ञान के भी चार पांच क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान के लिए आपको कक्षा 9th और 10th की NCERT किताब है, उसके अंदर आपको पूरे टॉपिक मिल जाएंगे आप, वो जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो ये इतनी बुक है। और इंग्लिश को मुझे, इंग्लिश में मैं नहीं बता सकता, इंग्लिश और गणित मुझे। अच्छा, इंग्लिश भी और गणित आती है उसमें? हाँ, इंग्लिश, गणित और रीजनिंग भी आती है, लेकिन उनके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैंने नहीं किए थे। अच्छा चलो, ये बड़ी विडम्बना होती है कि जो नॉर्थ इंडिया में, सॉरी नॉर्थ राजस्थान में है, इंग्लिश का बड़ा मुश्किल काम रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने स्कूल लेक्चरर में 5 साल रहा हूँ, लेकिन मैंने बीएड नहीं किया है। हरियाणा में उस समय बगैर बीएड के भी टीचर है, वो एमए बेस पे होते थे, स्टेट होता था, उसमें भी 30 नंबर की इंग्लिश आती थी। तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी, अभी भी बहुत वीक है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बहुत बहुत बाकी है। 30% रास्ता ही हासिल किया है। तब उसमें 30% आए थे, तो 30% आए थे, तो 30 में से मैंने केवल एक ऑप्शन चुना था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने केवल बी ऑप्शन चुना था। और 8%, जैसा कि 25% संभावना रहती है, तो इंग्लिश में अगर नहीं है, लेकिन फिर इतना स्कोर कर लिया था कि अगर इंग्लिश में 0 बातें तो भी सिलेक्शन हो जाता। तो जो अपना मजबूत पक्ष है, तो उसको इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि अगर 5-7 नंबर का कोई कमजोर पक्ष रह जाता है, तो वो उसके साथ कोई मायने नहीं रखे। कमजोर हर किसी का, कोई ना कोई पक्ष कमजोर होता है सर, हर मतलब हर चीज में परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे, मैंने इंग्लिश और गणित को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। हाँ, गणित करने की कोशिश की जब तैयारी कर रहा था, लेकिन जब ये लगा कि समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो इसके लिए आपको मैं कुछ नहीं बता सकता इंग्लिश और गणित जो भी है आपका, क्योंकि कईयों का तो सब्जेक्ट ही रहता है इंग्लिश, तो उनको तो ये जरूरी नहीं है। तो जो है, फिर भी मैं यही राय दूंगा कि आपके अगर एक दो कुछ पॉइंट्स कमज़ोर रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। अब जो ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो पूछने की कोशिश करूँगा जिसका किसी को कोई पता नहीं होता है, कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर आपको कोई आइडिया हो तो बता सकते हैं सर। वैकेंसी कब आएगी और कितनी होगी, इसका तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये अगर आप लगातार तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अब पिछली बार मैं डबल में हुआ था 2018 वाली में, और एक ये भी संयोग है कि पिछली बार से मेरे मार्क्स कम है। पिछली बार मेरे 290 प्लस थे, फिर भी मेरा फाइनल नहीं हो पाया, और सीट भी डबल से ज़्यादा थी। इस बार मार्क्स भी कम थे और सिलेक्शन हो गया, और अच्छी रैंक पर हो गया। तो ये तो मैटर नहीं करता कि कितनी सीट आएगी, कितनी मेरिट जाएगी। आप लगातार तैयारी करते रहिए, मेरी